मैं भी आप लोगों से फेमिलियर हो जाऊंगा कि ये नासिर हुसैन जो आपकी फीमेल स्टूडेंट आपदा गुलजार है, ठीक है ना। तो शीर अहमद करीम नेक्स्ट डे का एक दिन पहले बता दिया करें, कोर्ट अद्दू से कह रहे हैं जी। बिल्कुल खुर्शीद, यू आर राइट, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ कि अगला जो हमारा सेशन होता है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा, ठीक है ना। तो ताकि थोड़ा सा आप भी उसको एक ओवरव्यू उसका लेके आए, आपको जहन में आइडिया हो कि हमने क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है आज के लिए हमने करने तरीके सहाफत पार्ट टू, ठीक है जी। यानी इससे पहले जो हमने तरीके सहाफत उसका पहला हिस्सा किया था जिसमें हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे शेरशाह सूरी और ये लोग मुगल्स यहाँ पे आए तो उन्होंने आगे यहाँ पे जो तरसील का निज़ाम था उसको किस तरह से लेके चले, और उनके बाद आगे फिर कंटिन्यूटी में जब ब्रिटिश रूल जहाँ पे आ गया तो वो किस तरीके से ये इसको तरसील के निज़ाम को लेके चल रहे थे, या उसके बाद फिर जब जो पार्टीशन हुई है तो फिर यहाँ पे क्या निज़ाम था तरसील का, ठीक है। अच्छा जी, अनम खालिद कह रही है जी मेरा नाम भी लें जी, अनम खालिद हैं हमारे साथ जी, बिल्कुल जी। सफिया बानो हैं, ठीक हो गया। मैं मोना किरण है फ्रॉम राजनपुर। आबिदा गुलजार करें जी कि सहाफत का आगाज जो है वो अखबार नवीसी से किया गया, आई थिंक, ठीक है जी। नहीं जी, ये तो अखबार नवीसी तो बहुत बाद की बातें हैं, तो ये तो उससे भी पहले बहुत पहले ये खतो किताबत का एक सिलसिला चलता रहा। लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस भेजने के मुख्तलिफ जराए थे, वो हरारे भी होते थे, एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज लेके जाते थे। फिर उससे पहले जब पेपर अभी नहीं था तो पेपर से पहले पत्थरों पे लिख के, तो ये तो उस हवाले से तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत पहले का है। यानी हमने जब शुरू में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था उसमें मैंने आपको शायद बताया था कि जो अपना ब्रिटिश हैं 1909 में सबसे पहले जो था ये जर्मन ने शायद शुरू किया एक अखबार, और उसके बाद 2011 में ब्रिटेन, लेकिन ये तो थे तबाब की शक्ल में, अखबारी शक्ल में, ठीक है। उससे पहले कलमी शक्ल में भी थे, कलमी से भी पहले चीज़ें मुख्तलिफ और सोर्सेज से भी की जाती थी। यानी ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत पुराना है, और न्यूज़पेपर्स का प्रॉपर जो दौर है वो तो बहुत बाद में आगे शुरू हुआ दस्तावेज के जरिए, ठीक है। आपदा गुलजार कह रही है तबस्सुम शहीन कह रही है सहाफत अगर खिदमत खलक समझ के की जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सफिया बानो कह रही है कि सबसे पहले लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, इशारों से भी पहले। पर्शियन कैट कास्ट्स जी, आज का हमारा जो मौजू है वो है तरीके सहाफत पार्ट टू, और इसमें हम पाकिस्तान में जो सहाफत का जो एक पूरा ये सिलसिला है ये कहाँ से शुरू हुआ और अभी हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। आज हम इसको देखेंगे कि पार्टीशन के बाद 47 के बाद जब पाकिस्तान
मार्ज वजूद में आया, तो फिर यहाँ पे उस वक्त सहाफत कैसे चल रही थी? जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी उस वक्त सहाफत कैसे यहाँ हो रही थी, और आज के इस मॉडर्न इरा में, आज 2020 में जो है, ये सहाफत अपनी किस खदोखाल में है? तो ये हमारा आज का मौजू है। इसमें हम पहले तो मकासद को स्टडी करेंगे, पाकिस्तान में अखबारात को हम देखेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान में सहाफत की मौजूदा सूरत हाल जो है उसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है हम अखबारात का जिक्र करते हैं जी, कि पाकिस्तान में अखबारात जो है, तारिक हुसैन कह रहे हैं कि सर लेक्चर अगर चैप्टर वाइज हो। जी बिल्कुल, हम चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं। ये आज आपका थर्ड चैप्टर है। एक एक चैप्टर एक दिन हमारा मिस हो गया था, वो बीच में हम कहीं जाके आगे कवर कर लेंगे, ये हिस्ट्री वगैरह जब हम पढ़ लेंगे ना, तो इसके बाद कोई दो चैप्टर हम एक दिन में कर लेंगे डिस्कस, ताकि आपका जो एक दिन बीच में मिस हुआ है वो भी कवर हो जाए। सो आज आपका ये बेसिकली फोर्थ डे है, चौथा दिन है, लेकिन आज हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि कल का हमारा मिस हो गया था। इसको नजरे आतिश कर दिया तो डॉन दिल्ली से कराची मुंतकल हो गया, ठीक है ना? तो आगे फिर ये कराची आके किस तरह से चला गया हमें पाकिस्तान के बाद, उसके बाद जंग एक अखबार है, ठीक है ना? उर्दू साहब में जंग ने एक नमाया अहमियत हासिल की, और 1940 में दिल्ली से अपनी शायद आगाज किया था इसने, और 1947 को कराची में ये भी मुंतकल हो गया था, ठीक है? उसके बाद जनाब अंजाम है, मॉर्निंग न्यूज है, इवनिंग स्टार है, हुर्रियत है, जसारत है, ये सारे न्यूज़पेपर छोटे छोटे भी इसमें शामिल हैं। फिर इस्लामाबाद की बात आती है, इस्लामाबाद में दी न्यूज़ था, दी नेशन, डॉन और पाकिस्तान आबरूज वगैरह, ठीक है? फैसलाबाद बड़ा शहर था, लायलपुर जिसे कहा जाता था, इसमें कुछ अखबार थे, इनको आपने देख लेना है। पिशावर में क्या सूरत हाल थी, ठीक है ना? यानी ये जो बड़े सिटी थे आपके, कराची, लाहौर और फैसलाबाद और पिशावर, इन शहरों में कौन कौन से खबर आते रहे? पार्टीशन के वक्त जो था वो क्या सूरत हाल थी? सर जी अभी बिजली आई है, मोहम्मद शकील, चलें कोई बात नहीं है जी, अभी आप ने ज्वाइन तो कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी सिद्रा कह रही है कि कल सिर्फ मैम नैला के लेक्चर की आवाज का इशू था, लेकिन आज वो भी क्लियर थी, ठीक है सर? अच्छा लेक्चर था मोहम्मद शहजाद। अच्छा जी सफिया कमल है सर, बहुत अच्छा लेक्चर था, वेरी इंटरेस्टिंग था, थैंक यू सो मच। मोहम्मद आरिफ है सर, पहले तीन लेक्चर कोई देता नहीं है, कोई नो प्रॉब्लम, अगर कोई नहीं देता तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जाहिर है आपके जो टीचर्स हैं उनकी भी अटेंडेंस जो है वो एबसेंट ही वो कंसिडर होगी अगर कोई नहीं आ रहा। अच्छा इकरा कह रही है नहीं कि सुबह तीन लेक्चर्स नहीं होते, ना वॉइस होती है ना, ठीक है जी आप कंप्लेन कर लें लॉन्च कि ये हमारा इशू है पोर्टल से ही। सर आप अच्छा लेक्चर देते हैं सिद्रा शाहीन, थैंक यू जी सिद्रा।
अच्छा जी, सफिया बानो इजहार कर रही हैं कि नहीं सर, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, सब क्लियर हो जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती दोबारा। चलिए, थैंक यू सो मच सफिया, बट मैं आपको जो प्रोमिनेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो मैं थोड़ा करवाता हूँ, आप पेपर के हवाले से थोड़ा सा देख लें तो वो ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होगा। कुछ चीज़ें आप देखें, ये हिस्ट्री जो होती है, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी भी चीज़ का, वो एक आपको वो तोते की तरह तो नहीं करवाया जा सकता ना। इसमें थोड़ा सा मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको आपने जहन में रखना था, जैसे आज का सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपने देखना कि दो तीन अखबारात इम्पोर्टेंट है, उनकी हिस्ट्री क्या है, और ये चीज़ें आगे चल के आपके इन फ्यूचर भी काम आने वाली हैं। कोई बंदा आपसे पूछ भी सकता है जी पहला अखबार कौन सा था, कब शाया हुआ, दूसरा प्रोमिनेंट कौन सा था, कराची से कौन सा था। तो इस तरह आप इसको ना अपने इस टॉपिक को डिवाइड कर लिया करें कि प्रोमिनेंट अखबारात कौन कौन से थे पार्टीशन से लेके अभी तक जो चल रहे हैं, और मुख्तलिफ जो सिटीज थे, जो मेन हब्स थी, लाहौर, कराची, पिशावर, फैसलाबाद वगैरह, वहाँ पे रावलपिंडी, तो यहाँ पे कौन कौन से अखबारात निकलते और कब निकलते। थैंक यू सर जी, सैयद जलीलुद्दीन, ठीक है जी, मोहम्मद शहजाद सर, आपका लेक्चर से लगता है कि ऑनलाइन लेक्चर एयू का अच्छा स्टेप है। हाँ बिल्कुल यार, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हुआ ये हमें जब उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट भेजी यूनिवर्सिटी ने कि आप लोग अगर तो ये हमारा सेशन अवेलेबिलिटी आपकी है तो हम आपको ये कोर्स देना चाह रहे हैं ऑनलाइन। तो मैंने तो बड़ा हरेली इसको इसलिए कर लिया क्योंकि मैं ऑनलाइन सेशन और भी मेरे होते हैं, तो मैंने कहा चले अपनी यूनिवर्सिटी को भी ज़रा देखते हैं तो ये किस तरीके से लेके चल रहे हैं। सो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बड़ा अच्छा इनका स्टेप है और इसको बड़े अच्छे तरीके से, इसमें थोड़ी एक कमी मुझे ज़रूर फील हो रही है कि अब आप लोगों का साथ जो है वो ऑडियो सुन सकते हैं ना, तो ऑडियो आप शेयर कर सकते हैं और ना ही आपकी विजुअल शेयर हो सकती है, ठीक है ना। तो उससे थोड़ा और भी ज़्यादा ये आई थिंक के इंटरेक्टिव हो जाएगा अगर आप लोगों की आवाज़ जो है वो भी आना शुरू हो जाए और टीचर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकें, आप क्वेश्चन लिखने की बजाय बोल के आप पूछ सकें। लेकिन मेरा ख्याल है ये उन्होंने इसलिए अभी ऑप्शन नहीं रखा होगा कि वो फिर स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों का इतना ज्यादा हो जाता, ये क्या कहते हैं इसे, एक वो मिक्सचर सा बन जाता कि वो फिर टाइम वेस्ट होना था, मे बी इसलिए इन्होंने। हाँ ठीक है जी, मोहम्मद कह रहे हैं शहजाद के कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो पढ़ने का मजा भी आता है, अच्छा है। मोहम्मद शकील सर जी आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू शकील यार, थैंक यू सो मच। चले आज किसी स्टूडेंट ने ये भी कह दिया कि आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू शकील, सो नाइस ऑफ यू यार, खुश रहें, आबाद रहें। लास्ट हमारे सेकंड चल रहे हैं जी, अगर किसी ने कोई बात शेयर करनी हो तो वो कर सकते हैं, 40 सेकंड हमारे पास अभी लास्ट वाले चल रहे हैं, इसके बाद ये हमारा सेशन खुद से ही लिंक डाउन हो जाएगा और फिर हमारी कल इसी टाइम 3 बजे से 4:30 तक हमारा रहेगा सेशन, मुलाकात रहेगी। तो चलें, खुश रहें आप, आबाद रहें और मेहनत करें, और अल्लाह की दात आपको इस मेहनत का जरूर रिवार्ड भी दे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, सारे स्टूडेंट्स आप लोग, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामदा करे जी, थैंक यू सो मच जी। आयशा लगा रही हैं, सफिया हैं, और उसके बाद मोहम्मद शकील हैं, और तारिक साहब आ गए हमारे साथ, मोहम्मद